तो अभी ना गेम पे आया था एक छोटा सा अपडेट, क्या तुम्हें पता है? पता भी होगा एंड पता नहीं भी होगा, क्योंकि भाई ये छोटा सा अपडेट इतना किसी को पता भी नहीं चला, पर तुम्हें पता है इसके अंदर बहुत सारे चेंज आए, गेम के अंदर इवेंट तो आए, कुछ और भी चेंजेस आए। चलो दिखाता हूँ। नंबर वन पे चलो दिखाता हूँ एक कैरेक्टर को लेके, क्योंकि यार ये कैरेक्टर ना बहुत ही मस्त थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जो कि एक तो मैंने पहले बताया था आपको थीवा, एंड दूसरा वाला एक और है जो कि यही स्टेपी फीमेल कैरेक्टर जो कि एक्टिव स्किल पे है। एंड तुम्हें पता होगा ये कैरेक्टर क्या करता था, जब इसे तुम ऑन करोगे ना ये बुया लिखा हुआ एक साइन नीचे लिखा हुआ था पेंट के जैसा, एंड एक सर्कल बनता जिसमें गाइस कोई भी ग्रेनेड फूटता तो तुम्हें डैमेज नहीं होता। बट अब क्या करते हैं तुम लोग देखोगे, चलो दिखाता हूँ। ये हमने ग्रेनेड से थोड़ा सा डैमेज लिया, अब तुम लोग देखो मेरे वेस्ट को जो कि दो लेवल का पूरा ही फट चुका है, लेकिन मैं जैसे इसकी एबिलिटी को ऑन करूंगा ना ये देखो ये पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है। तो इसकी एबिलिटी को चेंज कर दिया गया है, एंड इसको कुछ ऐसा कर दिया कि तुम्हारे पास जितने लेवल का वेस्ट होगा अब उसे रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी एबिलिटी को ऑन करो कहीं पर भी कैसे भी, और वो जितना भी फटा होगा ना, मतलब अगर वो पूरा 0% भी होगा ना तो भी जाकर पूरा 100% रिपेयर होने वाला है। एंड तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे जो फ्रेंड इसके अंदर ऐड हो गए ना भाई तुम्हारे सर्कल में, उन सभी का भी रिपेयर करने वाला है। बट यार ये पहले की एबिलिटी था इसका कि ये ग्रेनेड को पुश करके रोकता है फूटने से, क्या वो भी काम करता है? एक मिनट, यहाँ पर बहुत सारे ग्रेनेड हमने फेंक दिया है एंड देखता हूँ तो ओरे यार ये तो पुश्ती बम निकल गया, मतलब भाई इसकी एबिलिटी को इन लोगों ने चेंज नहीं किया है, इससे ना एक और नया एबिलिटी को जोड़ दिया, बट इसके बारे में तो यहाँ बताया भी नहीं भाई, एक ग्रेनेड भी काम करता है पता नहीं यार, देखो काफी मस्त कर दिया इसे। ओके चलो साथ में एक और कैरेक्टर तुमको बताता हूँ जो शायद तुम गेम पे कभी भी यूज नहीं करते लेकिन यार बहुत ही काम का कैरेक्टर है, वो पैसिव स्किल भी, एंड उस कैरेक्टर का नाम है ऑथो। भाई इस वाले एबिलिटी का यूज करना जरूर से, एक बड़े काम का है, बट काम क्या करता है तुम्हें पता है? तुम स्क्वाड मैच खेल रहे हो ना क्लास स्क्वाड, एंड तुमने एक बंदे को मारा या फिर उसे नॉक कर दिया ना, तो जो बाकी तीन बंदे बचे होंगे ना उसका मूवमेंट स्पीड ही स्लो कर देता है कुछ सेकंड के लिए, और ये बहुत ज्यादा काम आने वाले तुम समझो तो। तो चलो गाइस दिखाता तुमको गाइस ये मूवमेंट स्पीड स्लो करता कैसे। तो बंदे तो भाई इधर से आ रहे हैं एंड एक को टपका लेते हैं, अरे भाई यार पूरा टपक गया। ओके दूसरे वाले को नोटिस करो तुम लोग, यार बंदे भाई पीछे से मार देते हैं यार, बट तुम लोग देखो इसके पैरों के नीचे एक अलग सा साइन क्रिएट हो रहा है, एंड ये वाला देखो हमने यहाँ पर एक किल किया, एंड दूसरा वाला बंदा देखो जंप भी नहीं कर पा रहा है और ये भी गया, और इसके पैरों के पास देखो एक अलग सा इफेक्ट बनाता है जो कि बस कुछ सेकंड के लिए रहता है, बट इतना काफी है तुम्हारे लिए, पूरा का पूरा टीममेट का मोमेंट स्लो, भाई पिटा कोई और मोमेंट स्पीड किसी और का स्लो हो गया, तो बड़े काम का चीज है, तुम जरूर से यूज करना, वैसे भी यार पैसिव स्किल भी है तो बहुत ज्यादा वेट मतलब काम यूज कर सकते हो। ओके ठीक है चलो एक और चीज दिखाता हूँ मस्त वाला, बट इसके लिए ना थोड़ा सा एक ट्रिक करना होगा, तो अभी ना थोड़ा डैमेज ले लेते हैं क्योंकि बिना डैमेज के काम नहीं करने वाला, एंड थोड़ा डैमेज ले लेना, एंड तुम्हारे पास ना एक मिनी लॉन्च पैड होना चाहिए छोटा वाला, तो चलो अब उसे लगा देते हैं। एंड लगाने के बाद अबे यार भाई गेम पे क्या ही लोगों ने ऐड कर दिया है, पता नहीं बिना यूज के आलोक यूज कर रहा है, तो कभी यार ड्रोन यूज हो जाता है भाई तुम्हारे साथ हो रहा हो ना, ये नया गेम पे फीचर से ऐड कर दिया है जो कि कुछ भी एबिलिटी भाई वो खुद से आई प्रोटेक्ट करता है तुम्हें किया चाहिए। एनीवे चलो उसे तो थोड़ा डैमेज होना है, उसके बाद एक मिनी लॉन्च पैड को लगा लेना, एंड अब ना गाइस करना है रन करते हुए ना तुरंत उसके सामने जाना है और यूज करते हुए मेडिकेट दोनों को सेम टाइम पे क्लिक कर देना है, और ये देखो भाई तुम्हारे पास कुछ ऐसे नजारे आ जाएंगे। ये बंदा भाई लॉन्च पैड के ऊपर चढ़ के ना मेडिकेट यूज कर रहा है जो कि देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है, और साथ ही तुम लोग यूज का बटन तो देखो, अरे बटन भाई यूज एंड एग्जिट भाई कुछ है नहीं, और दोनों को दोनों बटन है एक के अंदर ही घुस चुके हैं जो कि पता नहीं क्या करने वाला यूज करने के बाद। ओके चलो यूज करके देखता हूँ भाई, यूज होता है फिर एग्जिट होता है, और अरे ओके तो भाई यहाँ पर तो यूज हो जा रहा है, बट हाँ ट्राई कर सकते हो छोटा सा था, लेकिन हाँ अगर तुम्हें गेम में थोड़े फायदे उठाने हैं ना ये चीज काम आने वाला है तुम्हारा। देखो हमारे गेम पे काफी सारे पेट हैं, बट तुम्हें पता होगा गेम पे एक नया पेट आने वाला है जो कि अभी तक आया है नहीं, एंड उस पेट का नाम है ये पुग, जो कि यहाँ पे लॉक दिखा रहा है, तुम इसे परचेस वैसे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इवेंट पे आया ही नहीं है एंड किसी के पास होगा ही नहीं, बट मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाला तुम्हें फ्री में मिल सकता है अभी जो कि किसी के पास नहीं है। तो देखो जब इसे परचेस करोगे यहाँ पर गोल्ड का साइन तो दिखा रहा है, बट यहाँ पर कुछ परचेस करने का ऑप्शन है नहीं, हम इसे ले नहीं सकते एंड किसी के पास होगा भी नहीं है, बट तुम इसे ले सकते हो कैसे यार? देखो थोड़े टाइम पहले ना इससे एक दो मंथ हो गया होगा शायद आई थिंक, एंड हमें गेम पे एक पेट का कैरेक्टर वाला मतलब पूरा बॉक्स ही मिल रहा था जिसके अंदर कोई भी पेट एक हम छाट के ले सकते हैं। अगर वो वाला बॉक्स तुम्हारे पास अभी होगा ना, हाँ यार अगर तुमने उसे रखा होगा ना, तो उस वाले पेट को ओपन करके तुम लोग बॉक्स को देखना, उसके अंदर तुमको ये पुग पेट भी देखने को मिलेगा जो कि यार गेम पे आया भी नहीं है और इन लोगों ने उस बॉक्स के अंदर ऑलरेडी देख रखा था। व्हाट यार सोच सकते हो तुम लोग, एंड ये वाला बॉक्स शायद आई थिंक बहुत सारे के पास होगा, हाँ तुमने ओपन कर दिया होगा तो बात अलग है, बट अगर तुमने रखा होगा उस बॉक्स को ना, तो उस वाले बॉक्स को सिंपली फिर से जाकर देखना, उसके अंदर तुमको मिलेगा पुग वाला पेट जो कि पहले तो नहीं था, बट पता नहीं यार बीच में कब से उसके अंदर ऐड हो रखा है,
वहां पर देखने को मिल जाएगा। और सिंपली भाई उस वाले पेट को सिलेक्ट करके ना जाए ले सकती हो और बंदों को शॉक कर सकते हो। बट बताओ इसकी एबिलिटी क्या है? तो कुछ भी नहीं यार, ये पूरा का पूरा ही खोखला है। बट हाँ, देखने में थोड़ा सूटबोर्ड के साथ ये कुत्ता रहता है तो काफी मस्त लग रहा है। बट इसकी एबिलिटी कुछ भी नहीं है, तुम इसके किसी भी एट की एबिलिटी इसके अंदर डाल के ना उसे यूज कर सकते हो। बाकी इसका खुद का कुछ नहीं है यार। ओके चलो एक लाइनमैन ट्रिक दिखाता हूँ जो कि बड़े काम का है। तुम इसे यूज करोगे ना तो भाई पक्का बोल रहा हूँ किल तो मिलने वाला है, लेकिन अच्छी जगह यूज करना। देखो करना क्या है, तुमको एक जीप चाहिए होगा एंड दो तीन लाइनमैन चाहिए होगा, जितना रखना उतना अच्छा है। और जीप के ऊपर चढ़ जाना और यहाँ पर जस्ट एक लाइनमैन को लगा देना है। जैसे लगाओगे ना तुरंत से ड्राइव करके ना व्हीकल को लेके यहाँ से निकल लेना है। और देखो तुम्हारा जो लाइनमैन है वो हवा के ऊपर ही लगने वाला है। बट याद रखना जैसे लाइनमेंट यहाँ पे लगाते हो ना तुरंत से ड्राइव करके ना आगे चले जाना, वरना वो लाइनमेंट तुम्हें भी फूट जाएगा। और उसके बाद तो भाई देख सकते हो ये लाइनमेंट पूरी तरह से हवा में उड़ चुका है। बट मैंने तो यार ऐसे रैंडम जगह ऐसे जहाँ पे वहाँ यूज कर दिया। बट तुम इस चीज को ना अच्छे जगह यूज करना जहाँ बंदे ज्यादा आते हो, जैसे कि रिवाइवल पॉइंट या फिर अभी गेम पे एक टोकन मिल रहा है, टोकन के पास भी यूज कर सकते हो। और ये दिखता भी नहीं ऊपर से भाई, तो किल तो पक्का ही मिलने वाला है। ट्राई करके देखना एक बार जरूर से तुम। ओके तो अगर तुम गेम पे सोलो मैच खेलते हो तो तुम्हें पता होगा हम ऑटो रिवाइव हो जाते हैं। गाइस हमारे पास एक दिल का आइकन बनाता है साइड में, जो कि जब तक ये है तब तक भाई ऑटो रिवाइव हो सकते हैं किसी बंदे ने हमें किल कर दिया तो। बट वो एक ही बार होता है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि ये टाइमर शो नहीं करता है कि अभी कितने टाइम तक ये होगा रिवाइव। वो तो हमें पता ही नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक हार्ट का साइन बना हुआ है और वो भाई धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। बट टाइम यहाँ पर शो नहीं करता, बट तुम लोग शायद ने कभी देखा नहीं होगा या नोटिस नहीं किया होगा, ये टाइमर भी शो करता है कितने टाइम तक रहने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है ना, जस्ट जो हार्ट बना ऊपर से पा रहा है ना दिल वाला, उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे वहां पे तुम क्लिक करोगे ना भाई, देख सकते हो यहाँ पर जितना टाइम वो बचा हुआ है ना उतना टाइम डायरेक्टली शो करने वाला। जैसे कि भाई अभी देख सकते हो 35 सेकंड बचे हुए हैं, 34 सेकंड बचे हुए हैं एंड धीरे धीरे भाई वो खत्म होता ही जा रहा है। तो जब उस पर क्लिक करोगे तो ही आने वाला है, एंड वो भाई रेड कलर का ब्लिंक कर रहा है, मतलब वो खत्म होने वाला है। एंड 2, 1, 3, 1 खत्म गाइस, ये देखो। बट तुमने शायद इसे देखा था क्या नहीं पता ना यार, वैसे काफी कम टाइम से क्यों रहता है तो भाई देखने की जरूरत ही नहीं है। एनीवे चलो नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ। देखो यार तुम अपने बंदे एंड अपने फ्रेंड को थोड़ी इरिटेट करना चाहते हो, परेशान, हाँ सच में थोड़ी गालियां वाले सुन सकते हो, बट ट्राई करके देख सकते हो, बड़ा मजा आने वाला है। इसके लिए ना गाइस ये देख रहे हो टायर वाला, इस जगह पे आ जाना है टेढ़े वाला टायर पास, और एक ग्लू वेल को इसके ऊपर लगा देना है। और भूल के भाई खुद से जंप मत कर जाना, वरना पक्का बता रहा हूँ फंसने वाले हो तुम ऐसे, क्योंकि ये जब तक ग्लू वाला फूटेगा नहीं ना तब तक तुम यहाँ से तो निकलने वाले हो नहीं। बट इसके अंदर हम अपने फ्रेंड को ट्राइप करने वाले, और थोड़ी गालियां तो सुन सकते हैं बट ट्राई कर लेते हैं। तो हमने एक ग्लू वेल को फिर से यहाँ पे लगा दिया और बुला रहा हूँ अपने फ्रेंड को, भाई आ जा यार। ओके एक तो गया भाई, एक गया यहाँ पर, एंड दूसरा वाले एक और आता है तो उसे भी बुलाते हैं, और ये दूसरा वाले भी गया। और ये देखो ये दोनों को दोनों ट्रैप हो चुके हैं। और अबे नहीं यार, बंदे भी अभी आ चुके हैं। अबे भाई मुझे गाली दे रहे हैं ये लोग, अरे यार गए सबके सब गए भाई, ये गलत टाइम पे बंदे क्यों एंट्री ले लेते हैं यार। तो इस वाली चीज को थोड़ा सा आराम से करना, अगर तुमने भी ऐसा कुछ फंसा दिया इन लोगों को और बंदे आ गए ना तो भाई सबके सब पिट जाओगे और उसके बाद तो गालियां सुनोगे अपने फ्रेंड के साथ में। तो इतना करना चाहते हो ट्राई कर लेना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट वो बहुत ही मस्त है गाइस, जब तक ग्लू वेल फूटेगा नहीं ना तब तक भाई बंदे को यहाँ से निकल सकते नहीं। तो हाँ बस ऐसे यार मजे लेना चाहते हो फ्रेंड के साथ में या किसी और के साथ में तो ट्राई कर सकते हो। बाकी चलो तुम्हें वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं यार इसके नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।